Jiromaki shena lulare, Majibundi shera sapare, Majibundi shera sapare. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदील चौधरी लाहौर से कराची आया हूँ। स्पेशली कराची का बंस रोड का फूड ट्राई करने के लिए बहुत दोस्तों ने कहा है कि कराची का बंस रोड जो कि कराची की स्ट्रीट फूड है वो ज़रूर ट्राई करें। तो मैं यहाँ पे आपको मज़े मज़े के खाने ट्राई करूँ। ये हम कराची के कैफे लतीफ में खड़े हैं, जो कि 40 साल पुरानी एक बड़ी मशहूर बंस रोड की दुकान है। यहाँ पर चरगा भी मिलता है, सजी भी मिलती है और कढ़ाई भी मिलती है, और टका टक इनकी स्पेशलिटी है। और ये चाचा यहाँ पे 17 साल से काम कर रहे हैं, और ये सब्जी के स्पेशलिटी क्या है आपकी सब्जी की? ये तो दुकान तो वैसे बहुत पुरानी है, तकरीबन 40 साल पुरानी दुकान है। ठीक है, तकरीबन 15-16 साल मुझे भी यहाँ हो गए काम करते हुए। ठीक है, माशाल्लाह हमारे यहाँ से सब्जी और चरगा कढ़ाई कटा कटी जो है फेमस होता है यहाँ पे। सब्जी और क्या? खट्टा कढ़ाई, सब्जी, चरगा कढ़ाई और कटा कट। अच्छा, खट्टा कट, खट्टा कट यानी फेमस मशहूर है हमारे यहाँ का, खट्टा कट मशहूर है। अच्छा, हमारे इस रेस्टोरेंट को तकरीबन 50 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, और ये देसी स्टाइल है। ठीक है, और बेसिकली हम कराची के ही लोग हैं। ठीक है, कटा कट कढ़ाई और सब्जी भी आपकी? सब्जी भी है, चरगा भी है, लेकिन मेन आइटम जो है हमारा कटा कट और कढ़ाई है। अच्छा, डेली रबड़ी हाउस पे लेके जाएंगे जो कि यहाँ के सबसे बड़ी दुकान है। स्पेशल खीर है इनके पास 520 रुपए किलो, दूध बलारी है 380 रुपए किलो, स्पेशल बताए शुगर फ्री रबड़ी है और पिस्ता रबड़ी है। पिस्ता रबड़ी जो है यहाँ की गुलाब जामुन और साथ इनकी खीर, पिस्ता रबड़ी है, सादी रबड़ी है, दूध बलारी है, खीर है और मटका कुल्फी है। चलता क्या यहाँ पे? मटका कुल्फी चलती है और रबड़ी चलती है। ये तुम्हारी मटका कुल्फी है, ये कितने की है? 50 रुपए की है। ये 50 रुपए की है जी। ये मटका कुल्फी हम यहाँ से खा रहे हैं, इसका टेस्ट बहुत ही आला है। थोड़ी सी बर्फ़ जम गई है इनकी, लेकिन टेस्ट और प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल बेहतरीन है, और टेस्ट बिल्कुल इसका रबड़ी वाला है, बहुत आ रहा है। आप बेटा बताओ क्या बना रहे हैं? मटका कुल्फी। यार हर कोई यहाँ मटका कुल्फी बेच रहा है, आप आपकी क्यों मशहूर है ये बताओ? सिर्फ भाई तो अभी कोई 15 साल का बड़े थे। अच्छा अच्छा, बेटा देखो कहाँ मटका कुल्फी, मतलब भी लगा रहे हो बोर्ड की? आपकी ना बनाऊँ, आपने कैमरे के पीछे बना रही। अच्छा अच्छा, बोर्ड की ले रहे चले। ऐसी कुल्फी नहीं खाई इसमें? ऐसी क्या, अगर इसमें बर्फ हुई फिर? नहीं बर्फ नहीं आएगी, ये बर्फ में जमी नहीं होगी। भाई देखिए, हम एक और रबड़ी की दुकान पे हैं। इन लोगों ने हमें रोक लिया यहाँ पे कि ये बंस रोड की ये स्पेशल रबड़ी और कुल्फी वाली दुकान है यहाँ से, और चैलेंज दिया कि इससे बेहतर रबड़ी कुल्फी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये देख लें कि ऐसी इसकी लुक है, और मैं ट्राई कर लगूँ। अगर मैंने बहुत आला बोला तो आप समझ जाएँ कि ये रबड़ी कैसी है। खाने से पहले ही बहुत आला। अच्छा, इसमें पिछली दुकान की तरह के बर्फ़ से क्रिस्टल नहीं बनते, तो ये पहला बहुत आला हो गया भाई। वाह ये भाई, नॉन स्टॉप कहते हैं कि आप ट्राई करें, इस तरह की नहीं है ये, वाकई बहुत आला किस्म की रबड़ी कुल्फी है। इसमें बर्फ भी नहीं जम रही और मलाई की तरह बाहर आ रही है, बहुत आला, बहुत आला भाई आपको, बहुत आला। इसको आप क्या बोलते हैं? पूरा मीठी टिक्की। ठीक है, ये गुलाब जामुन है। स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी बर्फी है, गुलाब जामुन है, लस्सी बोले हैं, बारिश में बहुत चलती है। इलायची जामुन है, छोटी छोटी इसको बोलते हैं इलायची जामुन, इलायची जामुन जी। और ये अनरसिंह गोलियाँ हमारी स्पेशलिटी। क्या ये? अनरसिंग गोलियाँ, अनरसी गोलियाँ चावल से बनती है। अच्छा, अरे शायरा पारे नो गैरी कमान उन सालना मौसम पूरा साना कान है चिक गोरी छट पा जोरे ने अतम लग गया हंटी का कराची वाले मोहब्बत चक्कर के कराची वाले लाहौरियों को जोड़े हाथों से खिलाते हैं और मंगुरी उल करे उल्ले गिर करे से के शिर करे। तो बात स्पेशल है और ये भी माशाल्लाह। आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये अंडा है।
अंडा फेंटा हुआ आपने सफेदी अंडा सफेदी धनी दोनों मिक्स है धनिए और पुदीने लाड़ा मधी भुंडी शहर सपार है बोली हुल करे मंगुली फुल करे फुली गिर करे। दिल्ली के मशहूर पाकिस्तान दही बड़े जो कराची की मान रोड में मौजूद है यहाँ पे आए हैं, जो कि स्पेशल टाइप के दही बड़े बना रहे हैं और पापड़ी इसकी जो बड़ी शेप में बनी हुई है। और बताएं कैसा है ये जी कराची की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेस्ट दही बड़े सिर्फ इसी दुकान से मिलती है, ट्राई करके आप बताइए कैसे हैं। फुल मिर्चों से और बहुत आला किताब की दही बड़ी भाई को हमने पैसे देने की जरूर कोशिश की है लेकिन भाई ने पैसे नहीं दिए और पान इतने मजे का कि पूरा मुंह मीठा हो गया। हमारा कराची का स्ट्रीट फूड टूर और आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। नीचे वीडियो में कमेंट्स के अंदर बहुत आला जरूर लिखें, जैसे मैं कहता हूँ बहुत आला। अरे शायरा पारे नो।